हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा ट्विंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान जरूर से रख रहे होंगे। ये रीडिंग मैं अभी करंट में कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी चल रही है, आपके काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो ये स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेगी। तो अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का मन में नाम लेते रहिए और अपने ईस्ट का नाम जरूर याद कीजिएगा। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। चलिए, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफी ओवरफ्लोइंग हो रही है, काफी इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो वो ये सेपरेशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक टावर मोमेंट टाइप का चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। एनर्जी मुझे इस वक्त ऐसी ही फील हो रही है। ओके, चलिए कार्ड्स आ चुके हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं कार्ड्स अरेंज करती हूँ। और बहुत पॉजिटिव रहिएगा इस रीडिंग के दौरान। चलिए, तो पहला मैसेज आया है डेथ का। देखिए, पहला ही कार्ड डेथ का आया है। तो ये कार्ड देख के आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आप अगर टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आप जानते होंगे डेथ का कार्ड मतलब होता है कि यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो रहा है आपकी जर्नी का, आपके फेज का, है ना। तो आपका जो ये आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका अगर सेपरेशन चल रहा है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये नो कांटेक्ट का साइकिल जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाला है। ये कार्मिक साइकिल कोई भी हो सकता है, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, या फिर कोई उनका एक ऐसा जॉब जो कार्मिक रहा हो उनके जीवन में, वो भी यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, और आपके साथ भी एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में फील हो रहे हैं। ये सेपरेशन जो आपके साथ उन्होंने ही चूज़ किया था, उन्होंने तो क्या चूज़ किया था, ये यूनिवर्स के द्वारा डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन था। और ये सेपरेशन भी इसीलिए आपको और आपके पर्सन को दिया गया था ताकि आपके पर्सन इस जर्नी को समझ पाएँ, इस आपके डिवाइन कनेक्शन को समझ पाएँ, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ पाएँ और अपनी डिवाइन फेमिनाइन की डिवाइन फेमिनाइन की जो पावर है, जो उनकी जो कहते हैं ना एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि इतना ज़्यादा भी अनकंडीशनल लव कोई कर सकता है। तो वो चीज़ को वो समझाने के लिए आपको ये सेपरेशन का फेस दिया गया था। ओके, और यहाँ पे ये सेपरेशन फेस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपके जीवन में, आपकी इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो ये फेस चल रहा है, ये एक ऐसा फेज फिर से शुरू होने वाला है आपके फेज में, एक बहुत ही प्यारा सा फेज जो आप दोनों को फिर से कनेक्ट करेगा। अभी आप फिजिकल लेवल पर ही कनेक्ट हुए होंगे या बट इस वक्त आप जो कनेक्शन होगा, एक जिसे कहते हैं हारमोनियस यूनियन, उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हारमोनियस यूनियन यहाँ पे होगा, आपका सोल लेवल पे कनेक्शन होगा, आपके पर्सन आपको सोल लेवल पर आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। 5D में भी, और आप 5D में तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ही, 3D में भी आपका हारमोनियस यूनियन यहाँ पे मुझे फील हो रहा है बहुत ही जल्दी नियरेस्ट फ्यूचर में। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, देखिए अबंडेंस। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे अभी तक आपके लाइफ, आपके पर्सन इस वक्त आपको जो है वो एक ऐसी आपको ऐसा देख रहे हैं कि
जब आप उनके जीवन में थे तो उनकी लाइफ में खुशियाँ थी, अबंडेंस थी, ब्लेसिंग्स थी। वो अपने हर टास्क को, अपने हर ड्रीम को फुलफिल कर पा रहे थे। ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो एनर्जी उन्हें चाहिए थी वो मिल पा रही थी, बट जैसे ही आपसे दूर हुए हैं वो एक डिसकनेक्ट फील कर रहे हैं। आपसे डिसकनेक्ट हो चुके हैं, एनर्जेटिकली तो नहीं हुए हैं, बट 3D में आप सेपरेशन फेज में हैं, इसलिए उनकी आपकी एनर्जी उन्हें नहीं मिल पा रही है ना। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अबंडेंस जो आपके प्रेजेंस में थी वो उन्हें अब नहीं फील हो रही है। वो उन्हें कहीं भी वो खुशियाँ फील नहीं कर पा रहे हैं। वो एक आइसोलेशन फेज में है, और ऐसा भी कह सकते हैं हर्मिट मोड में है इस वक्त। वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या उन्होंने गलत स्टेप लिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए था। ये सभी बातें उन्हें अब इस वक्त रियलाइज हो रही है, और जो ये जब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो इससे उन्हें वो इस चीज़ को किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से आपसे कनेक्ट हुआ जाए, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी इसी फेस के चलते हुए वो यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भक्ति की तरफ बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। भक्ति की एनर्जी वो खुद में फील कर पा रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, और सरेंडर के मोड में भी वो आ पा रहे हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, ये एनर्जी बहुत क्लेम कीजिएगा। आप देखिए कितना अबंडेंस के कार्ड के बाद मैं आपको कह ही रही थी कि अभी जब आपको ये अपनी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे थे, और जब ये सेपरेशन का फेज आपकी लाइफ में आया है, तो उसके बाद वो एक एटर्नल बॉन्ड रियलाइज कर पाए, है ना। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। आप अभी तक उनको बता बता के थक चुके होंगे, आपने बहुत कोशिश की होंगी, हालांकि ये बताने भी नहीं चाहिए, और बताने का कोई मतलब ऐसा फायदा भी नहीं होता है डिवाइन मस्कुलाइन को। आप कितना भी उन्हें वीडियो शो कर दें, वीडियो शेयर कर दें, कितना भी उन्हें नॉलेज दे दें इस जर्नी के बारे में, बट जब तक उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आपका ये डिवाइन टाइमिंग जो है वो आ चुका है आपकी जर्नी में। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा है ये जर्नी, ये कनेक्शन रियलाइज हो रहा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हें इस तरीके से फील कराई जा रही है कि उन्होंने किस चीज़ को खो दिया है इस स्टबननेस के कारण, अपने थोड़े ईगो के कारण उन्होंने किस पर्सन को, उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया है, इस तरह की उन्हें फीलिंग आ रही है। और वो ये बॉन्ड को एक ऐसा एटर्नल बॉन्ड समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो उन्होंने आज तक कभी भी किसी के साथ फील ना किया है, ना किया था और ना ही आगे कर पाएंगे, इस तरह की कि वो एनर्जी में है। और वो खुद को अब इस वक्त आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि वो अपने आप को, खुद को, अपने आप को आपके अंदर वो महसूस कर रहे हैं ना। मतलब आप में हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ उन्होंने ऐसी देखी हो, कहीं से उन्हें पता चला हो, तो वो जो क्वालिटीज़ वो आप खुद उनमें भी हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़, और जो वो आप में चाहते थे वो क्वालिटीज़ अब वो आप में देख पा रहे हैं। और इस चीज़ के इस वजह से, आपकी इस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से वो एक बहुत ऐसा मैग्नेटिक पुल भी आपकी तरफ फील कर पा रहे हैं, और आप भी अपने पर्सन की इस वक्त मिसिंग एनर्जी ज़रूर फील कर रहे होंगे। ये आप अपने आप से कनेक्ट करके ज़रूर देखिएगा कहाँ पे इस तरीके से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको अपने पर्सन की मिसिंग एनर्जी इसी वजह से फील कर पा रहे हैं क्योंकि वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपका सोल कनेक्शन है, तो वो रात और नाइट उन्हें नाइटमेयर्स हो रहे हैं और वो सो नहीं पा रहे हैं इस वजह से कि उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपके इनर वर्क का, आपकी भक्ति का, आपके नाम जप का ये प्रभाव है जो आपके पर्सन इस एनर्जी तक आ पाए हैं। देखिए एटर्नल बॉन्ड के बाद कार्ड आया है रेस्पेक्ट का, तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए इतना रेस्पेक्ट, इतना प्यार आपके लिए उनके मन में बढ़ गया है आपको इस एनर्जी में देखकर। और ये रियलाइजेशन होने के बाद, इस कनेक्शन को रियलाइज करने के बाद,
वो इस एनर्जी में आपको इस एनर्जी, इस पावरफुल एनर्जी में इतनी स्पिरिचुअली डेवलप्ड देखने के बाद अपना ही स्पिरिचुअली डेवलप्ड हुई है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप 3D लेवल में भी, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काफी कुछ अचीव कर रही हैं और करने वाली हैं नियरेस्ट फ्यूचर में। तो आपकी इस पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियलिस्टिक एनर्जी, जो भी आप जिस एनर्जी में, उस एनर्जी से आपके पर्सन इतने आपसे मेस्मराइज्ड हैं कि वो आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ गया है। और ये रेस्पेक्ट बढ़ने के बाद, ये इतनी एनर्जी, ये एनर्जीज आने के बाद, देखिए पहला कार्ड आया था डेथ का, फिर उसके बाद आया अबंडेंस का, और उसके बाद एटर्नल बॉन्ड और रेस्पेक्ट का, है ना। तो आपके पर्सन के जीवन में कार्मिक एनर्जी बहुत जल्दी समाप्त हो रही है, बहुत ही जल्दी एंड हो रहा है कार्मिक एनर्जीज का। और ये एनर्जीज जैसे ही रिलीज होंगी, एनर्जीज उनका कर्मा बैगेजेस जैसे ही रिलीज होगा, आपका एक हार्मोनियस रीयूनियन तो बहुत ही जल्द होना ही होना है। 100% श्योर मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपका हार्मोनियस यूनियन बहुत ही नियरेस्ट फ्यूचर में, आई थिंक अक्टूबर तक आपका हार्मोनियस यूनियन, या उसके कुछ पहले भी, सितंबर के लास्ट वीक तक भी आपका हार्मोनियस यूनियन यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट होगा, और ना सिर्फ कांटेक्ट ही होगा, आपका एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो कि अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा। अगर आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हों अभी तक, तो वो एनर्जी अब खत्म हो जाएगी। रनर और चेजर वाली जो एनर्जी थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप एक सेम एनर्जी में आने वाले हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में आने वाले हैं, सेम वाइब्रेशंस में आने वाले हैं। ओके, तो आपके पर्सन की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत जल्दी वो एक स्टेप स्टेप मतलब बहुत एक पावरफुल डिसीजन आपके लिए लेने वाले हैं, क्योंकि वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनके मन में ये एक डर बैठ गया है कि कहीं वो आपको खो ना दे और आप उन्हें छोड़ के चली ना जाएं, इस तरीके का फीलिंग उनके मन में आपके लिए आ रही है। ओके, तो जब ये रियलाइजेशन हुआ है, जब ये फियर उनको आया है, यूनिवर्स ने उन्हें ये रियलाइज कराया है, तब वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे रिकन्सलेशन चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, और वो अब रीयूनाइट कभी भी छोड़ के ना जाने के लिए होना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज आया है शेयर योर बाउंड्रीज। तो आपके लिए कह रहे हैं कि आपने उनके लिए अभी तक जो भी किया है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त इस एनर्जी में आ पाए हैं, तो ये आपने जो उनके लिए भक्ति की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, आपने इतना जो त्याग किया है अभी तक, उसका यही ये परिणाम है, उसका ही ये रिजल्ट है। आपके आपके जो डिवोशन की, भक्ति की वजह से ही, आपके इनर वर्क के कारण ही वो इस एनर्जी में आए हैं, और वो इस कर्मा से रिलीज, कार्मिक बैगेजेस से रिलीज हो पा रहे हैं, और इस जर्नी को समझ पा रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो आपके पर्सन इसके लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको ये भी कह रहे हैं कि आप गिव अप ना करें, और आपने जिस तरीके से अभी तक, इतने समय तक आपने उनका वेट किया है, तो आप थोड़ा समय और उन्हें दे दीजिए, ताकि वो आपके साथ एक रीयूनाइट हो सके, एक हार्मोनियस यूनियन में आ सके। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की, और आपकी भी मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। तो जब आप दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों की ही एनर्जी सेम हो, सेम ही पॉजिटिविटी में हो, तो यूनियन तो होना ही होना है। ओके, तो आप इसी एनर्जी में बने रहिए, इसी पॉजिटिविटी में बने रहिए, और ये आप जो भी डिवोशन कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और आपने जो भी इनर वर्क किया है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति के ही परिणाम स्वरूप, उसी के रिजल्ट की वजह से आपके पर्सन इस पॉजिटिव एनर्जी में आ पा रहे हैं, और आपकी तरफ
रीयूनाइट होने के लिए वो फियरलेस एनर्जी में आ पा रहे हैं। ओके, तो ये थी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की। और ये जेंडर वाइज कंसिडर ना कीजिएगा, आप इसे एनर्जी वाइज ही लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेल्फ लव जरूर कीजिए, ईश्वर की भक्ति करिए, अपना इनर वर्क इसी डेडिकेशन के साथ, इसी अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ और सरेंडर मोड में रहने के साथ करते रहिए। आपका रीयूनियन निश्चित तौर पर होगा, 100% श्योर होगा। ओके, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।